मॉर्निंग, होप यू आर स्टेइंग सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। और हमारा तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, ये दोनों राजा बेटा हमारे रेडी हो गए हैं। और तुम लोग क्या करने जा रहे हो? रनिंग, क्योंकि राजेश को एस्टेट में जो बच्चों के साथ खेलता है तो कह रहा है मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि तो फिर सुबह रनिंग कर ले साइकिल चलाने से बेटर। तो ये दोनों के रहे हैं रनिंग करने। ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा है, वैसे ही सेम था, लेकिन बादल तो लगे हुए हैं। नो डाउट कल भी यही हाल था, कोई बारिश नहीं हुई, बट उम्मीद करती हूँ आज हो जाए। बट वेदर बहुत अच्छा है, घूमने वाला मौसम है। मैं जा रही हूँ अंदर, ये बच्चे गए अपना दौड़ने वोड़ने के लिए। टूलर ने हाफ ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था, लेकिन आई गेस भाई के साथ वो सुबह में चॉकलेट मिल्क जरूर पिएगा, तो फिर मैं वो बनाती हूँ उन लोगों के लिए। और अभी कल वाली वीडियो भी एडिट नहीं हुई, तो पहले मैं वो अपलोड करूँ। इन लोगों का ये चॉकलेट मिल्क रेडी हो गया। ये छोटे महाराज जल्दी से बैठे, जल्दी पियो। बाहर शायद बारिश शुरू हो गई है, वेदर इतना अच्छा है ना कि मन कर रहा है कि बाहर बैठ के बस चाय पियो। अभी ऑफिस चले गए हैं, वो होते तो मज़ा आता। और मिट्टी की वो सौंधी खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। बारिश शुरू हो गई है, मैं अब बाकी की रिकॉर्डिंग गोप्रो से करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी बोल रहे थे यार गोप्रो लिया क्यों है फिर जब रिकॉर्डिंग नहीं करनी तुम्हें उससे। और इतना यहाँ पे हम ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं। गोप्रो में यूजुअली जो मैंने देखा, या तो मुझे इतनी सेटिंग का उसका पता नहीं है, रात में अच्छी उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो नहीं आती है फ़ोन के कंपैरिजन में। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर आज की वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब हुई, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो, तो आई एम वेरी सॉरी। सो मैं फटाफट इसको सेटअप करती हूँ कि ये इजी टू हैंडल हो जाए। क्यों हो गया है बहुत अच्छा रेनी रेनी वाला, और ये रुद्रा बेबी हैं। रेनी रेनी सा मौसम हो गया है, तो भाभी तो है नहीं, पर और मेरा मन कर रहा था पकौड़ी और चाय खाने को, और हबी के बिना तुमसे खाया ही जाएगा क्योंकि हबी नहीं है, तो फिर तो नहीं। तो मैंने एक नई ट्रिक निकाली कि मैं हबी को आके भेजूंगी और साथ में चाय। ऑल्दो हबी ने बोल रखा है कि मुझे कॉफ़ी चाय मत भेजा करो, बट फिर भी मैं भेज रही हूँ क्योंकि मैं अकेले यहाँ चाय नहीं पी पाऊँगी, उनको ना दूँ और मैं खुद पी लूँ, ऐसे नहीं हो सकता मेरे लिए। तो इसलिए मैं फटाफट चाय बनाऊँगी और थर्मस में डालूँगी एक कप चाय और प्याज पकौड़ियाँ। होप आज हबी को लंच अच्छा लगे, क्योंकि ये तो वेदर की डिमांड है। हो गया है हबी का लंच रेडी। आई जस्ट होप कि हबी को ये लंच वो कर ले, क्योंकि पकौड़ी तो मुझे पता है वो खा लेंगे, बट होता है चाय का, चाय पी लेंगे। और कप मैं दे रही हूँ ऐसे एक जिप लॉक में रख कर, तो ये मैंने कुछ ऐसे करके इसको सेट कर दिया, पकौड़ी कप बिस्किट और चाय, क्योंकि ये तो मौसम की डिमांड है ना, चाय बिस्किट और पकौड़ी। आई होप कि हबी को अच्छा लगे। वैसे मैं फीडबैक आपको बता दूँगी कि हबी ने क्या बोला, हो भी सकता है कि वो नाराज़ हो जाए, बट मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं तो भेजूँगी। हबी को लंच भेजने के बाद मैं और राजस मौसम का मज़ा ले रहे हैं ना। राजस राजस क्या खा रहा है? चाय बिस्किट। चाय खा रहा है राजस। और कौन से बिस्किट खा रहे हो तुम? ओवल्टाइन। अच्छा, ये चाय, और मैं खा रही हूँ पकौड़ियाँ। और ऑल्दो मैं इतनी सारी पकौड़ी नहीं खा पाऊँगी, बट जितनी खा पाए खा पाए, वरना फिर शाम को हबी के साथ खाएँगे। और बस अब मैं वेट कर रही हूँ हबी के फीडबैक का। वैसे तो उन्होंने मैसेज मैंने कर दिया था कि लंच में आपको आज वेदर बेस भेजे को, ये वेदर की डिमांड, उन्हें पता नहीं कि मैंने क्या भेजा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज फीडबैक। अभी चाय पकौड़ी की तो पार्टी हो चुकी है, और राजस ने अभी बोला कि उसको डिक्शनरी पढ़ना सीखना है, क्योंकि वो वर्ड्स तो ढूंढता है बट डिक्शनरी, वैसे मैं सही बताऊँ तो एक साल हो गया इसको आए हुए बेचारी डिक्शनरी को, हमने आज साल नहीं पढ़ी, दो साल है, सॉरी एक साल नहीं, दो साल है। तो राजस को उसकी डैडी ने सिखाया तो था, अब ये भूल गया या क्या है, तो उसको मैं दोबारा से सिखाने जा रही हूँ डिक्शनरी कैसे देखते हैं। वैसे तो मेरे लिए रिवीजन हो जाएगा। हेलो, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है एप्पल, तो इसका पहला वर्ड क्या है? ए। तो हम ए के पेज पर हैं, ए के पेज पे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हमने देखना है नेक्स्ट क्या वर्ड है? पी। अब ए को देखो, ए बी सी। Thank you.
बहुत समझ में आया? हाँ। तो मैं इसको कुछ इजी वर्ड्स दूंगी जिससे पहले वो मुझे सर्च करके बताएगा। फाइनली राजस ने पहला वर्ड तो ढूंढ लिया है और अब मुझे लगता है अब शायद धीरे धीरे सीख जाएगा। ऑल्दो मैंने इसको 5 वर्ड्स दिए हैं, वो कर लेगा तब शायद थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा डिक्शनरी ढूंढना। वैसे मुझे डिक्शनरी सर्च करना मेरी मम्मी ने सिखाया था, मुझे आज भी याद है। लव यू माँ। कौन वाला खेल है ये? तो ये घर की हालत हो रखी है, कुशन्स फेंके हुए हैं, टॉयज फेंके हुए हैं और ये लोग मारा पिटी वाला खेल खेल रहे हैं। अच्छा रुद्रा मुझे बोलने आया था कि हम मार पीटी नहीं खेले। रुद्रा हाउस को ब्यूटीफुल बनाओ। अच्छा, तो जो कि आपने टाइटल पढ़ा था, बेसिकली बात यह है कि हमने यहाँ पे वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन कराया है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद हमें कंफर्मेशन आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। और हमें हमारा सेंटर भी पता चल गया, मुझे और हबी को हमें सेम सेंटर ही मिला है। बट वी आर थिंकिंग कि पहले हम जाके सेंटर को चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या है, कैसे है। चेक तो करना ही पड़ेगा भाई, नाइजीरिया तो चेक तो करना पड़ता है। तो होपफुली मैं कल जाऊंगी अगर कार कल टाइम से आ जाएगी, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का क्या है, एटलीस्ट वो सेंटर जो हमें अलॉट हुआ है। तो उसका आई जस्ट विश कि कल कार टाइम से आ जाए, तो मैं पक्का वहाँ जाऊंगी और मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। से बाय बाय। Bye 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 bye